नमस्कार, IN7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र पारस सर, अब शुरुआत करेंगे अब तक की खास खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देश भर में मिलेगा सस्ते खाद्यान्न, 20-60% की छूट में मिलेगा खाद्यान्न। सैकड़ों सेंटर खुलने से व्यापार और रोजगार बढ़ा। इंडिया जनशक्ति पार्टी द्वारा संचालित है भारत जन कल्याण योजना। पार्टी के बैनर तले संचालित भारत जन कल्याण योजना आम जन के लिए हितकारी साबित हो रही है, तो वहीं बेरोजगारों को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में लाभान्वित हो रहे हैं। भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न में 10-50% की सब्सिडी का सीधा लाभ आम जन को मिल रहा है। योजना के संचालित सेंटर स्थानीय लोगों को मिलने से व्यापार एवं रोजगार में प्रभावशाली कदम बना, तो अब देश भर में विभिन्न राज्यों पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आज अहम है। हम आपको बता दें, इंडिया जनशक्ति पार्टी द्वारा संचालित भारत जन कल्याण योजना सरकार द्वारा कराने के सम्मान में मिली सब्सिडी को सीधे आम जन तक पहुंचाने का काम यह योजना कर रही है। 10-50% की छूट जहां आम जन को मिलने के लिए, अलावा इन सेंटरों का संचालन करने वालों को 5-8% मिशन एवं सेंटरों में लगने वाले कर्मचारियों को ग्रामीण स्तर पर रोजगार मुहैया हो रहा है। इंडिया जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश पांडे बताते हैं कि देश के कई राज्यों में इस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, जिससे लोगों के लिए 6 राज्यों में अभी फिलहाल ये योजना चालू की गई है। धीरे धीरे ये योजना पूरे देश में लागू की जाएगी और सभी लोगों को उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न 10-50% छूट पर देने के लिए मैंने इस योजना को पूरे भारत देश में लॉन्च किया गया है। मैं अब जनता को मिलेगा और कैसे जन जन तक पहुंचेगा? यहाँ जो जनता को है उच्च क्वालिटी का खाद्यान्न 10-50% छूट पर दिया जाएगा और इसमें हर्बल दवाइयाँ भी उनको अगले महीने से दी जाएंगी, जो भी 50% वो भी छूट पे रहेगी। और जो जो समय समय पे खाद्यान्न संबंधी अपडेट होता जाएगा, वैसे 365 प्रोडक्ट इसमें लागू किए जाएंगे। संवाददाता शैलेंद्र पाराशर के माध्यम से योजना के प्रचार प्रसार हेतु शुभकामना दी, तो हितकारियों ने योजना का लाभ मिलने पर धन्यवाद देते हुए नजर आए। की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे दीजिए इजाजत।